कि दो मर्द आपस में शादी कर सकते हैं तो क्या आपकी बात हम भी मानेंगे? आपको पसंद होगा, आपको मुबारक, बनाया कानून आपने, तो अब आप जबरदस्ती आसी मकान रखेंगे? नहीं, तुम भी मानो, कयामत तक गुनाह कभी ना रहेगा, आपके लिए बढ़िया कानून है। सरदारों को उनकी पगड़ी के आधार पर आतंकवादी कहा जाने लगा। ये तो तरीका नहीं है ना, किसी धर्म को आप बदनाम करें, किसी धर्म के खिलाफ प्रचार करें और फिर आप चाहें कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं सर, विरोध आपका होगा। एक होता है अपनी मर्जी से कपड़े पहनना, अपनी मर्जी से आप कुछ भी पहनिए, और दूसरा होता है जबरदस्ती किसी दूसरे पर दबाव डालकर उसे पहनाना, या जबरदस्ती उस पर इस चीज का दबाव डालना कि आप ये नहीं पहन सकते, आप वो नहीं पहन सकते। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क ये है कि एक में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो पहनते हैं, और दूसरे में आप पूरी तरह बाध्य हो जाते हैं कि नहीं, अगर आप ये नहीं पहनेंगे तो आपके खिलाफ इस तरह की कोई चीज हो सकती है। और ये सारी चीजें जो हैं वो कल सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिली थी, जहां पर हिजाब का मामला चल रहा था, जो कई महीनों से चल रहा है, साल गुजर गए, लेकिन ये मामला अभी भी अपने जो पड़ाव पर पहुंचना चाहिए उस पर नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो है पहले सुरक्षित रख लिया गया। जस्टिस गुप्ता ने साफ तौर पर कह दिया कि हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, वो सही है, हम हिजाब बैन को समर्थन करते हैं, सही फैसला लिया गया। लेकिन जस्टिस धूलिया की राय इससे इतर थी, पूरी तरह से अलग थी, जिसको लेकर जैसे ही उन्होंने अपनी टिप्पणी की, अपना फैसला उन्होंने सुनाया और कहा कि ये धार्मिक मामला बनना ही नहीं चाहिए था, इस मामले को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए था, हमारे लिए शिक्षा पहले जरूरी है, पहले उन लड़कियों की मर्जी जरूरी है जो हिजाब पहनना चाहती हैं कि नहीं पहनना चाहती हैं, ये उनकी सोच पर और उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है, इसको धार्मिक एंगल देने की जरूरत नहीं है। ये सुधांशु धूलिया जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने फैसला सुनाया। अब आप सोचिए, दो लोग, दो जस्टिस एक बेंच में बैठे हुए, उन दोनों लोगों की राय इतनी ज्यादा अलग कैसे हो गई? कैसे जब दो जस्टिस आपस में ही उनकी राय जब मैच नहीं खाती है, तो कैसे ये साफ तौर पर मान लिया जाए कि जो हिजाब पर बैन लगाया गया वो पूरी तरह से सही था, या फिर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो पूरी तरह से सही है? सवाल खड़े होते हैं। जैसे ही ये पूरा मामला शुरू हुआ तो वैसे ही चैनलों पर डिबेट भी शुरू हो गई, और एक ऐसी डिबेट देखने को मिली जहां पर साफ तौर पर आप देख पाएंगे, जो आपने शुरुआत में देखा सुना भी होगा, कि अगर कोई चीज लाजमी कर दी जाती है, चाहे आप ये लेस्बियन वाला मैटर ले लीजिए, उसमें अगर कानून बन गया है कि दो लड़के या फिर दो लड़कियां आपस में शादी कर सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसा करें। जिन लोगों को इस चीज का हक चाहिए था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर सामने अर्जी डाली और उसके बाद फैसला आ गया, और फैसला उनके पक्ष में आया, तो उनको इस चीज से दिक्कत नहीं है, वो चीज उनके लिए अच्छी है। लेकिन सारा समाज इस चीज को एक्सेप्ट करे और ही के नक्शे कदम पर चले, ये जरूरी नहीं है। इस चीज के लिए कोई भी बाध्य नहीं है। अगर कोई टोपी लगाता है, कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई पगड़ी लगाता है, कोई हिजाब बांधता है, कोई गले में मंगलसूत्र बांधता है, या फिर जो पजामा पहनते हैं वो घुटने के ऊपर पहनते हैं, क्या इन सब चीजों पर भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म से अलग अपनी चॉइस पर भी डिपेंड करता है। आपने कई ऐसी शादियां देखी होंगी जिसमें मुस्लिम जो है और हिंदू दोनों की शादी होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के धर्मों के रीति रिवाजों का पूरी तरह से सम्मान करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाजों को मानते हैं। मुस्लिम अगर है तो वो सारे के सारे हिंदू फेस्टिवल्स मनाता है, और अगर हिंदू है तो वो मुस्लिम्स के सारे फेस्टिवल मनाता है। पहनने पर, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, इस चीज पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। और इसी का जवाब जो है वो AIM के प्रवक्ता जो है असीम वकार, उन्होंने News24 पर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कानून बना दिया गया है, लेस्बियन का सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने ही दिया, और कह दिया कि अगर ये कानून है लेकिन हमारे धर्म में, यानी इस्लाम धर्म में, इसको गुनाहे कबीरा कहा जाता है और कयामत तक इसको गुनाहे कबीरा ही कहा जाएगा। किसी के लिए शराब हलाल है तो किसी के लिए हराम है, किसी मजहब में शराब
कहीं चढ़ाई जाती है तो किसी दूसरे मजहब में उस जो है शराब को पूरी तरह से गलत बताया गया है, उसको छूना भी हराम बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक धर्म के लिए चीजें सही हैं तो दूसरे धर्म के लिए ही सही होंगी, या दूसरे के लिए गलत हैं तो पहले वाले के लिए सही होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका सारा जवाब आपको डिबेट जो शुरुआत में आपने देखा उन पूरे वीडियोज में समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर सारी चीजों पर किस तरह से इस पूरे फैसले पर प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। सबसे पहले हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान बताएंगे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर हिजाब मामले को लेकर क्या कहा है वो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा है, हिजाब को भाजपा ने बेमतलब का बड़ा मुद्दा बनाया। मेरे हिजाब से हाईकोर्ट का निर्णय कानून के मामले में खराब था और कुरान की बातों को गलत तरह से पढ़ा गया। कर्नाटक की बच्चियां इसलिए हिजाब पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने उन्हें कहा है। बीजेपी ने बिना जरूरत के इसे मुद्दा बनाया। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, उसी की तरह से जो है जो बयान दिया गया न्यूज 24 पर आसिम वकार की तरफ से भी दिया गया और उन्होंने भी अपने तर्कों को सामने रखा। इसके अलावा आपको बताते हैं पुनीत कुमार सिंह, इन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, हिजाब बैन को रद्द करते हुए जस्टिस धूलिया ने कहा, मेरे लिए लड़कियों की पढ़ाई का सवाल सबसे अहम है। इससे ही ये चीजें साफ जाहिर हो जाती हैं कि अगर जस्टिस गुप्ता, जो कथित तौर पर उनकी बीवी पर जो ईडी की रडार बताई जाती है, कथित तौर पर, हम पहले ही बता चुके, कथित तौर पर एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई थी, एक समाज सेवी थे, उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया था और कहा था कि उनकी बीवी पर ईडी की रडार है, इसलिए वो हिजाब मामले में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जैसा उन्होंने सुनवाई के वक्त कहा था। लेकिन अब जिस तरह से जस्टिस गुप्ता की तरफ से फैसला लिया गया, उससे चीजों को और ज्यादा लोगों ने हवा दे दी है। और जो अभी आपने ट्वीट देखा उसको साफ तौर पर देखकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि सुधांशु जो जस्टिस हैं, जस्टिस सुधांशु, उन्होंने जिस तरीके से अपना फैसला दिया है और जो तर्क दिए हैं कि हमें धर्म में नहीं जाना है, हमें सिर्फ उस फैसले पर जाना है जिसमें जो लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए उन्हें सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी होती है, उन्हें अपने घर से लेकर समाज तक हर चीज को लेकर चलना होता है, ऐसे में उनकी निजता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा और भी दूसरे ट्वीट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर। एएनआई की तरफ से भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया गया है, एएनआई ने भी बताया है, और एएनआई का जो ट्वीट है वो इंग्लिश में है, उसका हिंदी तर्जुमा आपकी स्क्रीन पर। लिखा गया है, पीठ के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा, लड़कियों को स्कूल के गेट में प्रवेश करने से पहले हिजाब उतारने के लिए कहना उनकी निजता पर हमला है, फिर उनकी गरिमा पर हमला है, और आखिर में उन्हें धर्म निरपेक्ष शिक्षा से वंचित करना है। अनुच्छेद 19(1)(a)(21) और 25(1) में उन्होंने इस चीज का हवाला दिया और कहा कि अगर किसी गेट पर, स्कूल के गेट पर किसी लड़की को हिजाब उतारने के लिए कहा जाता है कि आप हिजाब उतारिए, उसके बाद आप स्कूल में प्रवेश करिए, तो उसकी निजता पर, यानी वो चीजें जो गोपनीय रखना चाहती है उस पर और उसकी गरिमा पर सीधा सीधा हमला है। इसके अलावा आपको बता दें, मोहम्मद जुबैर पत्रकार हैं, इन्होंने भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया, और जो ट्वीट किया इन्होंने वो भी इंग्लिश में है, उसका हिंदी तर्जुमा। लिखा गया है, सभी याचिकाकर्ता हिजाब पहनना चाहते हैं। जिन सारी याचिकाओं को जस्टिस गुप्ता ने खारिज किया है, उन सारी याचिकाओं में यही कहा गया है कि वो सभी लोग हिजाब पहनना चाहते हैं। क्या लोकतंत्र में पूछना बहुत ज्यादा है? क्या सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ कैसे हो सकती है? या यहां तक कि शालीनता या संविधान के भाग 3 के किसी अन्य प्रावधान के खिलाफ कैसे हो सकती है? ये न्यायमूर्ति धूलिया की तरफ से कहा गया। दूसरा ट्वीट जुबैर ने किया है, उसके बारे में भी बताते हैं। उसमें लिखा गया है कि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा, हमारी संवैधानिक योजना के तहत हिजाब पहनना केवल पसंद का मामला होना चाहिए, ये आवश्यक धार्मिक अभ्यास का मामला हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये अंतरात्मा विश्वास और अभिव्यक्ति का मामला है, लेकिन सबसे पहले इसे चॉइस पर डिपेंड होना चाहिए, चॉइस का मामला होना चाहिए कि आप उसे पहनना चाहते हैं कि नहीं, ये उस लड़की का खुद का निजी फैसला होना चाहिए, किसी भी तरीके से दूसरा नहीं। और अगला ट्वीट है वो भी किया गया है जुबैर की तरफ से, उसमें लिखा है, अगर वो अपनी कक्षा के अंदर भी हिजाब पहनना चाहती हैं तो उसे रोका नहीं जा सकता है, अगर इसे उसकी पसंद के मामले में पहना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र तरीका हो सकता है कि उसका रूढ़िवादी परिवार उसे स्कूल जाने की अनुमति देगा और उन मामलों में उसका हिजाब उसकी शिक्षा का टिकट है। ये जस्टिस धूलिया की तरफ से कहा गया, और कहा गया कि आज भी ऐसी जगहें हैं जहां पर
इसलिए लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि उन्हें डर होता है कि ज्यादा पढ़ लिख जाने के बाद वो समाज में अपनी अलग छवि बना लेंगी, क्योंकि पुरुष डोमिनेंट हमारी सोसाइटी है और यहाँ पर कैसी समाज में मानसिकता है वो आप सभी लोग जानते हैं। और ऐसी जगहें हैं जहां पर सिर्फ इस वजह से उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है कि जब तक वो सारे के सारे रिचुअल्स फॉलो करेंगी तभी तक वो पढ़ने के लिए जा सकती हैं। सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया, लिखा, फोटो को भी, माफ करिएगा, फोटो को भी शेयर किया है और जिसमें जो लड़की थी अल्लाह अकबर जब खुद के बचाव में आते हुए उसने नारा लगाया था उसकी तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर है जो ईरान में महिलाओं के साथ हो रहा है उसको लेकर बाल काटती हुई महिला है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, ये दो फोटो हैं, एक हिजाब के खिलाफ एक उसके समर्थन में, देखिए ध्यान से देखिए, असल में ये दोनों एक ही हैं, ये एक औरत की अपनी मर्जी अपना चुनाव करने की स्वतंत्रता की तस्वीरें हैं। जिस दिन चॉइस का मतलब समझ आ जाएगा सारे मसले हल हो जाएंगे। चॉइस, रीड दैट अगेन, उन्होंने ये लिखा है। और वाकई अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ चॉइस के अलावा दूसरा कोई धार्मिक एंगल नजर नहीं आता है, लेकिन जबरदस्ती तरीके से जो धार्मिक एंगल इस पूरे मामले को दिया, जो कथित तौर पर सभी लोग कह रहे हैं और बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस पूरे मामले को इतना ज्यादा बढ़ाया गया, इसको इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी वही किया जो लोग नहीं चाह रहे थे। निगार परवीन है, इन्होंने भी इस पर पूरे मामले में ट्वीट किया है, लिखा है, एक छात्रा को स्कूल के गेट पर हिजाब उतारने के लिए कहना उसकी गोपनीयता और गरिमा पर हमला है, जस्टिस धूलिया। और लिखा है, धन्यवाद सर इस स्टैंड के लिए, जो आपने स्टैंड लिया वो शायद जस्टिस गुप्ता नहीं ले पाए क्योंकि उनकी सोच अलग थी, लेकिन जस्टिस धूलिया ने इस पूरे मामले में जो अपने विचार सामने रखे हैं उसके बाद जस्टिस धूलिया के बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एक ही कमरे में रहते हुए दो जस्टिस के विचार जब एक नहीं हो सकते हैं तो पूरे देश में सबके विचार जो है वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे एक चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि हिजाब पहनना अगर धार्मिक प्रथा में नहीं है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। और तभी से ये मुद्दा बना है कि अगर इस्लाम में हिजाब पहनना मान लीजिए अनिवार्य नहीं भी है तब भी एक चॉइस का मामला आता है, उस चॉइस को आप खत्म नहीं कर सकते, किसी भी देश का संविधान, किसी भी देश की अदालत, कोर्ट कचहरी उस चीज को खत्म नहीं कर सकता है। जब निजता का मामला आ जाता है, जब आपकी चॉइस पर आपका मामला आ जाता है तो आप उस चीज के हकदार खुद होते हैं जो आप कर रहे होते हैं।